हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, लेट नाइट थॉट। देखेंगे आपके पर्सन के मन में आज रात आपके लिए क्या चल रहा है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। रीडिंग वीवर्स, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि राइट नाउ आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ओके लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड एंड दी फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बॉटम से जस्टिस आता है, यहाँ से क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आती है। राशि में व्यूअर्स आपके लिए तुला राशि, मिथुन राशि इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर राशियाँ हैं, कर्क वृषिकन मीन राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो सेजिटेरियस, मेसिंग धनु राशि और ये फिलहाल अभी राशि नज़र आ रही है। और कार्ड अगर हम निकालेंगे तो उनमें और भी राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है आपको लेके। ओके सो व्यूअर्स, देखो राइट नाउ की सिचुएशन ये दिखाती है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना एक वक्त ऐसा था जब वो जो कर रहे थे ना उनको उसका एक ही फेज़ नज़र आ रहा था। मतलब कि उनको लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको उनके हिसाब से वो जो भी एक्शन वो ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सेकेंड आस्पेक्ट आपके पर्सन ने नहीं देखा और इसी वजह से मैं आपके पर्सन को वैसे इस वक्त देख पा रही हूँ कि इनको अपने लिए हुए पास्ट के डिसीजन पे, फैसलों पे, निर्णयों पे, जो भी निर्णय इस कनेक्शन को लेके लिया था पास्ट के अंदर, आज उसको लेके आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उसी को लेके ये एक तरह से फील कर पा रहे हैं कि हाँ ये डिसीजन मेरा बहुत ज़्यादा गलत था, मैंने दूसरा आस्पेक्ट क्यों नहीं देखा, मैंने दूसरा पहलू क्यों नहीं जानने की कोशिश की, क्यों मैं इतना ज़्यादा मतलब दूसरी चीज़ों में खो गया या खो गई कि मुझे और चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही थी। ठीक है, ऐसा हो सकता व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में या तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जिन्होंने इनको उलझा दिया था, इनको क्लियर डिसीजन लेने के लिए मतलब अपने आप को ना तो ये रेडी समझ देख पा रहे थे। ऐसा होता ना कि आपको कोई डिसीजन लेना होता तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, आपको चाहना चाहिए क्या, ठीक है, आप लाइफ में पाना क्या चाहते हो। लेकिन इस पर्सन का जो डिसीजन था ना व्यूअर्स, वो क्लियर नहीं था और ये किसी ना किसी एक जैसे कहते ना चकाचौंध में या फॉर अ टाइमिंग जिस चीज़ ने इनको अट्रैक्ट किया, आपके पर्सन व्यूअर्स उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो गए, हो करके इन्होंने एक डिसीजन लेते हैं जिसको लेके आज ही अपने आप में खुद ही इनजस्टिस सा फील करते हुए नज़र आते हैं इस कनेक्शन को लेके। आज आपके पर्सन व्यूअर्स ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ मैंने उन चीज़ों को नहीं देखा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था या फिर मेरी आँखों पर एक पट्टी से चढ़ गई थी। पट्टी क्या होती है? पट्टी मतलब एक लालच की पट्टी कह सकते हैं हम। कोई लालच था इस पर्सन के मन में, कुछ बातें ऐसी थी जिसने इस पर्सन को मतलब कहते हैं ना धृतराष्ट्र बनने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, अब वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कोई मोह की पट्टी थी इस पर्सन के आंखों पे चढ़ी हुई, किसी का मोह हो सकता है। सॉरी, वो एक कॉल आ गया था व्यूअर्स। ओके, तो व्यूअर्स हम जो बात कर रहे थे आपके पर्सन का, देखो अभी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या नज़र आता है। अभी का पॉइंट ऑफ व्यूअर्स आपके पर्सन का ये है कि वो आपके रिलेशनशिप को देखो एज ए लवर्स की तरह काफ़ी मतलब देखा जाए वो आपका साथ पाना चाहते हैं। जिस पर्सन ने आपको पहले ठुकरा दिया था, जिस पर्सन ने आपके खिलाफ डिसीजन लिया, जिस पर्सन ने आपके साथ में एक न्याय नहीं किया, ठीक है, मतलब एक तरफा ले लिया, किसी गुस्से की वजह से भी हो सकता है, कोई मेंटालिटी की वजह से भी हो सकता है जो उस पर्सन को कहीं ना कहीं फेस हो रहा था, और ये जो सोच रहे थे, जिस थिंकिंग के साथ ये आगे बढ़ रहे थे, ये उसी को सही मान रहे थे। ठीक है, इनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं यही सही है और आप का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस कनेक्शन को लेके या तो वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, या आपको गलत ही समझ रहे थे। तो वह सभी नज़र आ रहा है जिस पर्सन ने एक समय ऐसा था जिसने आपको गलत समझा, आपको सेल्फिश समझा, आपको ये समझा कि सिर्फ आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हो, आप अपने लिए जीते हो, आप अपने लिए कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को पाना चाहते हो या इनको कहीं ना कहीं आपका पाने का भी एक मोटिव हो सकता है। ठीक है, आपका कोई पर्पस हो सकता है इस पर्सन से जुड़ने का। आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया तो आपने इनको मतलब
बिल्कुल ऐसा फील करा दिया कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिवर्स एनर्जी देखो मिल रही है। तो मैं ये बता दूं, आपके पर्सन एक 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 समय ऐसा था जब वो आपसे बहुत प्यार करते थे, बहुत कनेक्टेड थे, आप भी उनसे प्यार करते थे। फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे आपकी इमेज उनके सामने ऐसी हो जाती है जैसे एक पत्थर दिल हो जाना, ठीक है, या फिर ऐसा हो जाना कि आप मतलबी हो, सेल्फिश हो, या सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इनके बारे में नहीं सोचते, जबकि पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। इन्होंने आपके साथ में चीटिंग करी हो सकती है, इन्होंने आपके साथ में दगा की हुई हो सकती है, ठीक है। आपको पत्थर दिल बनाने में इस पर्सन का जो रोल है व्यूवर्स, वो काफ़ी हद तक मुझे इसी पर्सन का नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूवर्स, ये यही सोच रहे थे कि नहीं यार हमारा रिलेशनशिप जो पहले था, मतलब एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, मैं सीरियस नहीं था या मैं सीरियस नहीं थी, तुम ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। तो व्यूवर्स जो उस समय आपको गलत ठहरा रहे थे ना, आज वो आप ही के रिलेशनशिप के लिए मुझे यहाँ पे मरे चले जा रहे हैं। ऐसी नज़र, ऐसी जो एनर्जी वो इस पर्सन की तरफ से मुझे मिल रही है। और ये पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि इस कनेक्शन में एक हीलिंग चाहते हैं, एक एक, एक वापिस से कमबैक करना चाहते हैं, हर सूरत में आपको मनाना चाहते हैं, आपका माइंडसेट बदल देना चाहते हैं। आपके अंदर जो इस पर्सन को लेकर गुस्सा है व्यूवर्स, ठीक है, आप कह रहे हो ना मेरे साथ में तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो गुस्सा ये पर्सन चाहते हैं कि आप उसको निकाल दें अपने मन से, ठीक है। हाँ, और कुछ बातें ऐसी भी जो इस पर्सन ने की हैं आपके साथ में, वो अच्छी तो नहीं है, क्योंकि आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया, ऑप्शन भी रखा, हाँ एज ए ऑप्शंस रखा, किसी और को व्यूवर चुना, आपको नहीं चुना, और उसके लिए आपको ठुकरा दिया, आपको एज ए जस्ट फ्रेंड बना के छोड़ दिया। पहले आप उनके लिए सब कुछ थे, फिर आप उनके लिए सिर्फ फ्रेंड हो जाते हो, फिर आफ्टर सम टाइम आप उनके लिए कुछ भी नहीं रहते हो, अजनबी बन जाते हो। और वही पर्सन व्यूवर्स आज मुझे आपके लिए मतलब मैनिफेस्टेशन करते हुए, दुआएं मांगते हुए, या फिर कहीं ना कहीं कमबैक को मैनिफेस्ट करते हुए आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस व्यूवर्स हम एक चीज़ देख सकते हैं, वो इस कनेक्शन में क्या, एक इनजस्टिस जो कहीं ना कहीं लालच की वजह से हो सकता है, ऑप्शंस की वजह से हो सकता है, या फिर एक तरह से देखा जाए कुछ चीज़ें ऐसी जिनको देखना ही नहीं, देखा ही नहीं गया, नज़रअंदाज कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। वही आज मुझे आपके पर्सन व्यूवर्स इन चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि व्यूवर्स एक बात मैं क्लियरली आपको बता दूँ, इंसान की हैबिट होती है, वो कभी अपनी गलती नहीं देख पाता, ठीक है, वो कभी अपनी गलती नहीं देख पाता, उसे अपनी गलतियाँ कम, दूसरे की गलतियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। तो वही आपके पर्सन का भी व्यूअर्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपके सामने अगर आते भी हैं, ठीक है, तो ये अपनी गलती को मतलब कहते हैं ना नज़रअंदाज करवाने की हर संभव प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इन्हें अगर वो गलतियाँ रियलाइज़ करवा रहे हो, तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे तो ऐसा जो इनका इंटेंशन नज़र आ रहा ना, ये ऐसी एनर्जी को व्यूअर्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि आपके साथ में उनका जो रिलेशनशिप है वो बदले, ठीक है, वो बदले, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आए। और व्यूअर्स मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी क्या चल रहा है ना, अभी ये चल रहा है कि आपके पर्सन आपके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और आप अपने पर्सन के अंदर बदलाव देखना चाहते हैं। दोनों ही पर्सन, दोनों ही लोग एक दूसरे को यहाँ पे बदलने की कोशिश मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप बदलें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलें, अपनी मेंटालिटी बदलें, अपने आप को विक्टिम फील करना बिल्कुल बंद कर दें। वो ये भी व्यूअर चाहते हैं कि आप उनके ऊपर दोषारोपण, ठीक है, वो भी करना बंद करें, आप खुद के अंदर मतलब चेंजेस लेके आए। और वही आपके पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लेके आए, जो इस पर्सन ने पहले किया है वो अब ये पहले जैसा ना बर्ताव करें आपके साथ में, एक्सेप्ट करें रियलिटी को, सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं वही देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी चल रही है, ठीक है, जिस वजह से व्यूअर्स आपके कनेक्शन में देखा जा सकता है ना कि एक तरह से इनजस्टिस हुआ है, ये एक्सेप्टेंस को लेके कमी रही है, जिन चीज़ों की वजह से आपका कनेक्शन अधूरा रह गया, एक नहीं हो पाया, आप जो चाहते थे वो आपको मिल नहीं पाया, जिन चीज़ों को लेके आप काम कर रहे थे, जिस कनेक्शन को लेके आप काम कर रहे थे वो अधूरा रह गया। तो व्यूअर्स ये नज़र आ रहा है कि हाँ वो चीज़ आगे बढ़ रही है, प्रोसेस में है, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के अंदर ही व्यूअर्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स ये ज़रूर मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लेके आएँ, कुछ वो अपने अंदर लेके आएँ, ताकि एक नए बदलाव के साथ में इस कनेक्शन को यहाँ पे शुरू किया जा सके, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे मिलती हुई नज़र आती है। एक बात और है व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में जो इनजस्टिस हुआ है, जिस बात को लेके आप कह रहे हो कि ये कनेक्शन अगर मुझे अब मिलना था तो पहले क्यों नहीं मिला, है ना, एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये मेरे साथ में, अगर ये पर्सन ने पहले अगर ये सही सब चीज़ें देख ली होती, समझ ली होती, तो इतना पेन से मुझे नहीं गुजरना पड़ता।
तो व्यूअर्स ये भी एक टाइम था जिसमें बहुत कुछ समझना था, सीखना था, कुछ ऐसा भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे हो सकता है। कहते हैं ना जिन चीज़ों को लेके या जिस सोच को लेके हम चल रहे होते हैं समटाइम वो चीज़ें उस वक्त नहीं हो रही होती हैं, उनमें बदलाव की ज़रूरत होती है ताकि आने वाले समय में वो रिश्ता जो हो वो टूटे नहीं, वो कमज़ोर ना पड़े। और इसी चीज़ को लेके व्यूअर्स अभी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी यहाँ पर चलती हुई नज़र भी आती है। तो चलिए देखते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके, और क्या है इस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। नाइन ऑफ सोर्ड काफ़ी पेनफुल एनर्जी का इज यहाँ पे, काफ़ी सारी टेंशन्स यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में नज़र आ रही हैं कि वो इस कनेक्शन को लेके आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वो आपको मनाएंगे या फिर कैसे कहीं ना कहीं वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि उन्होंने आपको एज ए ऑप्शन की तरह अगर ट्रीट किया है या फिर आपके साथ में इनजस्टिस किया है या फिर आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको पेन में डाला है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो, मतलब उस दर्द को सहते सहते आपने उस दर्द से ओवरकम करना सीख लिया या उसको हैंडल करना सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसी एनर्जी गाइज नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे वो आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्या इन फ्यूचर आप लोग एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या इस कनेक्शन में कुछ ग्रोथ है होगी या नहीं होगी, क्या कोई रास्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स मुझे आज आपके पर्सन यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये ज़रूर है व्यूअर्स कि उनको ये चीज़ें अब आके समझ में आ रही हैं, जब इन्होंने मतलब कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से चल रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन में इनको कुछ रियलिटी पता चली, इनको कुछ चीज़ें ऐसी पता चली जो पहले इस पर्सन ने नहीं देखी थी, अपना एक अदर एस्पेक्ट इस पर्सन ने नहीं देखा, अपनी गलती इस पर्सन ने नहीं देखी, सारा का सारा जो ब्लेम था वो आपके ऊपर डाल दिया कि आप ही ज़्यादा मतलब इनसे कनेक्टेड हो रहे थे, ये कनेक्टेड नहीं थे, आप इन पे ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे, ये प्रेशर में नहीं आना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये आपके पर्सन व्यूअर्स उन्हीं चीज़ों को लेके मुझे यहाँ पे एक डिसीजन को लेके, एक अपॉर्चुनिटी को लेके आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यूअर्स ये भी दिखाती है एनर्जी कि कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक झुकाव फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ में रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे चाहते हैं कि आप इन दोनों, आप दोनों के बीच में हालात अच्छे हो जाएं, आप लोग एक हो जाएं, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप था जैसा भी था वो उसको मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस में लेके जाना चाहते हैं, मतलब एक पॉज से निकलते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, जिस पॉज की वजह से जो ये मतलब एक टाइम ले रहे थे समझ नहीं पा रहे थे उस समय पे, अब ये व्यूअर्स इन चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे एक चीज़ें हाईलाइट होती जा रही है इस पर्सन के सामने कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, फिर तुमने ये किया, फिर तुमने ये किया। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स एक जर्नी की तरह इस पर्सन के सामने चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन को रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का। ठीक है, ये उनको कवर अप करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जैसा भी रिलेशनशिप व्यूअर्स आपका रहा है पास्ट में, मैं उसको मैं एज ए फ्रेंडशिप की तरह भी बोल सकती हूँ या फिर हस्बैंड वाइफ भी बोल सकती हूँ या फिर जैसे भी बोल सकती हूँ, मतलब रिलेशनशिप हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अभी आपके पर्सन व्यूअर्स एक एनर्जी जो क्लियरली नज़र आती है वो ये कि ये आपका साथ ही पाना चाहते हैं। एंड ऑफ द डे भी व्यूअर्स आपके लिए फोर ऑफ वैंड्स का आता है, यहाँ पे लवर्स का आता है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि वो आपके साथ रहें या फिर आपका साथ उनको मिले। ठीक है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप अच्छे हों, बेहतर हो, मजबूत हों और स्टेबल हों। ठीक है, तो ये आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे चाहते हुए कहीं ना कहीं आज रात नज़र आते हैं। तो चलो कुछ चैनल मैसेज ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। ओके, एक बात व्यूअर्स मुझे और यहाँ पे फील हो रही है, हो सकता है आपके पर्सन आपको अप्रोच भी कर रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, लेकिन अभी आप उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस बात को लेके भी इस पर्सन के माइंड में है कि पहले जब ये मुझे चेज कर रही थी या कर रहा था तब मैंने इसका ऑफर नहीं लिया। ठीक है, इसके प्यार को स्वीकार नहीं किया, अब जब मैं इसके प्यार को पाना चाहता हूँ, ये पाना चाहती हूँ, तब ये मेरा प्यार रिजेक्ट कर रहा है। तो कुछ इस तरह की कश्मकश भी व्यूअर्स मुझे इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक मैसेज था जो मुझे देना था आप लोगों को, और चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या है चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके और क्या चल रहा है। एडमायर यू, ये आपको एडमायर कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के लिए, आपके प्यार के लिए, जो भी इस पर्सन को के लिए आपने किया है, जो भी एफर्ट्स लगाए हैं एक्स वाई जेड, छोटे से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी। समटाइम पता है क्या होता है, वो छोटे छोटे एफर्ट जो इस रिलेशनशिप में लगाए गए हैं ना, वो उस वक्त इस पर्सन को नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने बोला था ना धृतराष्ट्र वाली एनर्जी,
अब इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं, वो छोटी छोटी खुशियाँ इस पर्सन के लिए वैल्यूएबल यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो इसीलिए आपको एडमायर कर रहे हैं कि तुमने जो भी किया है वो बहुत ख़ास है। आई एम सरप्राइज्ड, किसी बात को लेके सरप्राइज्ड है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको वापस से पाना चाहते हैं। तो व्यूवर्स, ये जो एनर्जी मिल रही है वो ये हो सकता है कि जैसे मैंने बोला भी लास्ट में कि आप इनके लाइफ में वापस से नहीं आना चाहते हो, इग्नोर कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उनके कनेक्शन को, ठीक है। और समवेयर कुछ ऐसी बातें भी हैं व्यूवर जो इस पर्सन के सामने आ रही है जिन पे इनको भरोसा नहीं हो रहा है। मे बी आप इनका प्यार ठुकरा के किसी और के प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हो, किसी और के प्यार को पाना चाहते हो, या फिर आपके दिल में इनके लिए प्यार ही नहीं रहा। ये भी एक इशू व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसको मतलब ये सरप्राइज़ है ना कि जो पर्सन इनके पीछे 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 हर समय लगा रहता था या लगी रहती थी, आज उसने पीछा करना छोड़ दिया, आज उसने सेल्फ वर्क करना स्टार्ट कर लिया, आज उसने खुद के लिए जीना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब वो इनको मौका नहीं दे रहा जबकि ये आपके पीछे पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये आपको चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, ये बात मैंने आपसे बोली थी। और ये व्यूवर्स इसी बात को लेके कहीं ना कहीं मतलब शॉक्ड है कि यार इतना कैसे बदल गया ये पर्सन, ठीक है। आई वॉन्ट टू वेक अप, ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, ये आपको मिस करते हैं और ये आपका नंबर भी लेना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है कुछ लोगों में से आप लोगों ने नंबर भी यहाँ पे चेंज कर दिया है, अपना नंबर चेंज कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन का। ये हो सकता है आपने नंबर ब्लॉक कर दिया हो, या इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, या आपको किसी और नंबर के थ्रू, मतलब एक नंबर पे आपने ब्लॉक किया तो अनदर नंबर कुछ ऐसा हो सकता है वो ट्राई करने की कोशिश की हो, मे बी हो सकता है आपका कोई प्रीवियस नंबर हो जो ये ट्राई कर रहे हो जो ब्लॉक हो गया हो। तो व्यूअर्स ये है आपके लिए रीडिंग आज रात की, आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी, अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके, सो बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।